बिहार की राजनीति पिछले 32 सालों से लालू और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन साल 2005 से लेकर 2010 के बीच जितने लोकप्रिय थे, लेकिन 2022 आते आते लोकप्रियता कमजोर पड़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। बिहार में आप कहीं भी जाइए, एक स्लोगन जरूर सुनाई देगा, बिहार में बाहर है नीतीश से कुमार है। अब बाहर जितनी है ये तो हाल में ही हुए सियासी उठापटक से तय हो गया है, लेकिन इस उठापटक के बीच जो एक चेहरा स्थिर बना हुआ है वह है नीतीश कुमार का। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया था। एक बार फिर बिहार की जनता को लालू और नीतीश की जोड़ी एक साथ दिखी तो लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर भी बदलेगी। मगर आरजेडी का हाथ थामने के कुछ ही दिनों बाद जेडीयू आरजेडी गठबंधन में टकराहट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जेडीयू और आरजेडी का हाथ मिलाने के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण तो बदले ही, लेकिन पार्टियों के अंदर भी बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों का कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में जेडीयू आरजेडी में गठबंधन तो हो गया, लेकिन एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं हाल के घटनाक्रम पर। तो कानून मंत्री बनने के साथ ही विवादों में आए कार्तिकेय सिंह को लेकर अब तक चर्चा पूरी तरह थमी नहीं थी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विगत सोमवार को निखिल मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। निखिल मंडल साल 2016 से पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जेडीयू विधायक बीमा भारती ने लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें पद से हटाने की मांग की। 13 सितंबर को आरजेडी के मंत्री और बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी। उन्होंने सरकार की पुरानी नीति और अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठाए थे। इससे पहले 12 सितंबर को उन्होंने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को चोर कहते हुए कहा कि कृषि विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार। जब नीतीश कुमार ने इस बयान पर सवाल किया तो उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। इसके साथ ही आरजेडी के नेता रहे और विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में जेडीयू की मदद करने वाले नेता अजीत यादव ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना लालू और तेजस्वी दोनों के लिए खतरे की घंटी है। आपको बता दें कि बिहार में राजनीति पिछले 32 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। बिहार में नीतीश की राजनीति लालू विरोध पर टिकी रही है। उन्होंने अटल आडवाणी के जमाने में बीजेपी से गठबंधन किया, लेकिन साल 2013 में नरेंद्र मोदी के विरोध में एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। इसके बाद 2017 में फिर आरजेडी से नाता तोड़ बीजेपी से समझौता कर लिया। अब 5 साल बाद फिर बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार के इन फैसलों से उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुँचे आप तक।